नमस्कार, मैं विकास बराला। आप सब पिछले 5 महीने में मेरे बारे में तरह तरह की बातें सुन रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मुझ पे जो भी आरोप लगे हैं वे झूठे एवं निराधार हैं। वास्तविकता में इस केस का असली विक्टिम मैं ही हूँ। इन पिछले 5 महीनों में मुझसे एक बार भी मेरा पक्ष नहीं जाना गया और बहुत से लोगों ने मुझे ही दोषी समझ लिया। मेरे पिताजी एक राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत से राजनीतिक दल इसी बात के लिए मुझे टारगेट करके मेरे पिताजी की राजनीतिक छवि को ख़राब करना चाहते हैं। मैं शब्दों में आप सबको ये बयान नहीं कर सकता कि इन पिछले 5 महीनों में मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे परिवार, मेरे अपनों के ऊपर किस तरह का टॉर्चर हुआ है। मेंटल टॉर्चर से वो गुज़रे हैं, एक ट्रॉमा से गुज़रे हैं, एक असहनीय पीड़ा से गुज़रे हैं। राजनीतिक परिस्थितियां इस तरह गंभीर थी कि मेरे पिताजी मुझसे या मेरे वकील से भी ना मिल सके। अगर मिलते तो बहुत से लोग शायद ये भी कहते कि एक पिता अपने बेटे की मदद कर रहा है। मेरे ऊपर FIR या कोर्ट में छेड़छाड़ या मोलेस्टेशन के कोई आरोप नहीं है। ये सब झूठे एवं बेबुनियाद हैं, ये सब अफवाहें हैं। मैं आप सबसे विनम्रता से एक अपील करना चाहता हूँ कि आप सब इस केस से जुड़े हुए ट्रू फैक्ट्स और एविडेंस पे ही बिलीव करें, उन्हीं पे विश्वास करें, ना कि किसी झूठी और बेबुनियाद बात पे। और अंत में मैं आप सबसे एक बार फिर यही कहना चाहूँगा कि मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मुझ पर जो भी आरोप लगे हैं वह झूठे एवं बेबुनियाद है और इस केस का असली व्यक्ति मैं ही हूँ।